India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब केस में सुनवाई के दौरान वादी के वकील संजय हेगड़े ने दी दलील का संवैधानिक अधिकार राजनेताओं पर नहीं छोड़े जा सकते, कानून धार्मिक पहचान कायम रखे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर फिलहाल सुनवाई से किया मना, कहा हाईकोर्ट करे सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को दी जमानत। बचाव पक्ष ने कहा आशीष कार नहीं चला रहा था, अभियोजन नहीं दे पाया सबूत। सुप्रीम कोर्ट ने जज के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत करने वाली महिला को दी राहत, बहाल करने का दिया निर्देश लेकिन कहा पीड़िता पुरानी तनख्वाह की हकदार नहीं। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपना पक्ष रखने के दिया अंतिम मौका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर अगली सुनवाई में दोषी खुद या उसका वकील पक्ष नहीं रखता तब भी सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर शुरू हुआ विवाद अब हाईकोर्ट की फुल बेंच के पास पहुंच गया। उडुपी के सरकारी कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब पहनने के अधिकार पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अब इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को फैसला करना है। तीन जजों की बड़ी बेंच के पास ये मामला गया है। इसमें कर्नाटक के चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित भी शामिल हैं। उडुपी की छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े दलील उन्होंने दी, तो वहीं कुंडापुर के स्टूडेंट्स की तरफ से सीनियर वकील देवदत्त कामत पैरवी कर रहे थे। संजय हेगड़े ने सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1983 के कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में ड्रेस या यूनिफॉर्म के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हुए हेगड़े ने कहा कि तब भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती थी। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि पहले के दिनों में यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल में होती थी, जो कि वर्दी बहुत बाद में आई है। कॉलेजों में यूनिफॉर्म का प्रचलन काफी बाद में शुरू हुआ। यूनिफॉर्म के नियम का उल्लंघन करने पर दंड का कोई प्रावधान भी नहीं है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में जो भी दंड की व्यवस्था की गई है वो ज्यादातर प्रबंधन से जुड़े मामलों के लिए ही है। संवैधानिक अधिकार राजनेताओं या सांसदों पर नहीं छोड़े जा सकते, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर। अंततः संविधान ही है जो सभी नागरिकों की रक्षा करता है। कुछ समूहों की उनकी उपस्थिति और परिधान जैसे लंबे बाल रखना और पगड़ी पहनना निर्धारित करने की स्वतंत्रता को निजी के अधिकार के हिस्से के रूप में संरक्षित नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके धार्मिक विश्वास के हिस्से के रूप में संरक्षित है। हेगड़े ने जिज्ञा यादव बनाम सीबीएसई का जिक्र किया और कहा कि एक व्यक्ति को अपने नाम के पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए और कानून को उसे बनाए रखने के लिए मदद करनी चाहिए। यह शिक्षण संस्थान कर्नाटक के प्रत्येक निवासी और भारत के प्रत्येक नागरिक का है। क्या आप लोगों के एक समूह को कह सकते हैं इसमें शामिल होने के लिए आपको अपने विश्वास को त्यागना होगा? चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे एम काजी की पीठ छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है। तो इधर
हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें मामले से संबंधित याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर पक्ष रखा और तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि 2 माह बाद परीक्षाएं हैं, लड़कियों को स्कूल आने से रोका जा रहा है, उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उस धार्मिक मामले की तरह है जिस पर 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच की सुनवाई थी। इस पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ मामला सुन रही है, हो सकता है कि आपको कुछ राहत दे, पहले उन्हें सुनने दीजिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आज मामले की सुनवाई कर रही है, इस वक्त उसे हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी देने से इंकार कर दिया। जब सिब्बल ने केस सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध पर जोर दिया तो सीजीआई रमन्ना ने कहा कि हम देखेंगे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, कहा है कि अगर कोई मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर पढ़ने जाती है तो इससे किसी शख्स के अधिकारों का हनन नहीं होता और ये राज्य के हितों के खिलाफ नहीं है। विवाद तब शुरू हुआ जब उड़ीपी के सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोक दिया गया। छात्राओं का कहना है कि हिजाब पहनना उनका मौलिक अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व जिला जज को बहाल करने का आदेश दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की बेंच ने माना कि जज द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वैच्छिक नहीं था बल्कि जबरदस्ती था। मध्य प्रदेश की महिला न्यायिक अधिकारी को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत करने वाली महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करने का निर्देश दिया है। उत्पीड़न के मामले में न्याय न मिलने से हताश होकर पद से इस्तीफा दे चुकी महिला न्यायिक अधिकारी ने इस आधार पर बहाली की मांग की थी कि उन्हें 2014 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। महिला न्यायिक अधिकारी ने अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2017 की न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट के स्पष्ट निष्कर्ष की अनदेखी की है, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद से याचिकाकर्ता के 15 जुलाई 2014 के इस्तीफे को असहनीय परिस्थितियों में लिया गया कदम बताया गया था। जज अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी और जब उन्हें ग्वालियर से सीधा स्थानांतरित किया गया तो उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया है। उसने कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के यौन आमंत्रण ठुकराने के बाद स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस के गंगेले के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। याचिका में कहा गया कि न्यायाधीशों की जांच समिति ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाए क्योंकि उसने दबाव में इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाले एक संसदीय पैनल ने इसकी जांच की थी। पैनल ने पाया कि यौन उत्पीड़न के आरोप साबित नहीं हुए, हालांकि ये निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता न्यायाधीश का स्थानांतरण अनियमित था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की बेंच ने माना कि जज द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वैच्छिक नहीं था बल्कि जबरदस्ती था। कोर्ट ने आदेश दिया इस्तीफे को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता, इस्तीफा स्वीकार करने वाला आदेश रद्द किया जाता है और रद्द किया जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जुलाई 2014 से बहाल करने का निर्देश दिया लेकिन ये भी कहा कि वो बैकवेज की हकदार नहीं होगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ के समक्ष हाईकोर्ट के महापंजक की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहाली का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि केवल एक अनुचित स्थानांतरण ये घोषणा करने की मांग का उचित आधार नहीं हो सकता कि महिला को प्रताड़ित किया गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य पुलिस द्वारा हेरफेर के आरोपों पर 2011 में एक वकील की मौत की जांच में मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती देने पर सीबीसीआईडी मेट्रो चेन्नई को नोटिस जारी किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ मद्रास हाई कोर्ट के फरवरी 2021 के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट आर शंकर सब्बू के 24 वर्षीय बेटे एस सतीश कुमार की हत्या की गई थी, ना कि उसने आत्महत्या की थी, जैसा कि 2012 में सीबीआई ने दावा किया। पूर्ण पीठ ने
एसआईटी के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की थी कि युवक की वास्तव में हत्या की गई थी। एसआईटी की अध्यक्षता सीबीआई के सेवानिवृत्त निदेशक आर के राघवन ने की है। हालांकि एसआईटी काफी प्रयासों के बावजूद दोषियों का पता नहीं लगा सकी, इसलिए हाईकोर्ट ने अपराध शाखा आपराधिक जांच विभाग को मामले को संभालने और भविष्य में किसी सुराग के मिलने पर इसकी जांच करने का निर्देश दिया था। पीठ ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता पिता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बंसत ने अपील की, क्या न्यायालय उन्हें नोटिस देगा और पूछेगा कि अब तक क्या किया गया है। कृपया पिता और बार के अन्य सदस्यों की आशंकाओं को समझें। पिता और पुत्र दोनों ने ही राज्य पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को उठाया है। मेरे बेटे की मौत के कारण ये था, ये मेरा मामला है। उन्होंने दलील दी कि सीबीसीआईडी स्थानीय पुलिस की एक और शाखा के अलावा कुछ और नहीं है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि राज्य पुलिस ने हेरफेर का प्रयास किया था। पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिसे 3 सप्ताह में वापस करना होगा। कोर्ट ने सीबीसीआईडी को एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का भी आदेश दिया जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पिछले एक वर्ष में जांच में हुई प्रगति का संकेत देना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई में दोषी खुद या उसका वकील पक्ष नहीं रखता तब भी सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हम पर्याप्त इंतजार कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी से कहा कि अवमानना के मामले में दोषी व्यक्ति का पक्ष सुना जाना चाहिए, लेकिन वो इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं है। ऐसे में एमिक्स क्यूरी हमें ये बताए कि क्या किया जाना चाहिए। एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के बताया कि ऐसे में दोषी को स्वयं उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, वो वकील के द्वारा भी अपना पक्ष रख सकता है। दरअसल किंगफिशर एयरलाइंस के बीच एक मामले में संपत्ति के पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया गया था। माल्या को कोर्ट के आदेश के बाद भी डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों के अवमानना का दोषी माना था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट खारिज किया जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील ने तर्क दिया था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे साबित हो कि कार के चालक ने मिश्रा के आदेश पर किसानों को कुचला था, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मिश्रा कथित प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है। आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार किया गया था जिसमें निरस्त किए गए कृषि कानूनों के विरोध में कम से कम 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। 3 अक्टूबर को हुई इस घटना में एसआईटी द्वारा दायर आरोप पत्र में आशीष को मुख्य आरोपी घोषित किया गया था। लखीमपुर के तिकुनिया में बीते साल अक्टूबर महीने में हुई हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। सेशन कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। 3 अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसक वारदात में 8 लोगों की मौत के बाद एसआईटी ने जांच के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। हाईकोर्ट में आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। आशीष मिश्र की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जीडी चतुर्वेदी ने अदालत के सामने दलील रखी कि आशीष वो कार नहीं चला रहा था जिसके नीचे दबकर 3 अक्टूबर 2021 को किसानों और प्रदर्शनकारियों की जान गई। वकील ने ये भी दलील रखी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी पीड़ित को गोली लगने के घाव की बात नहीं है। अभी हम लोगों ने जजमेंट पढ़ा नहीं है तो इसलिए जजमेंट के मेरिट के विषय में हम लोग कुछ बता नहीं सकते। हम केवल वो बात बता सकते हैं जो हम लोगों ने बहस की थी और उस बहस के आधार पे हमें कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया। क्या बहस में क्या मुद्दे रखे आपने, क्या आपकी तरफ? हमारा बहस में कहने का मुद्दा ये था कि जिस समय ये घटना हुई उस समय आशीष मिश्रा वहाँ पर मौजूद नहीं थे,
चूँकि 192 लोगों ने इस आशय का एफिडेविट फाइल किया कि जो दंगल शिरोमणि हो रही थी उस समय आशीष मिश्रा सुबह से लगा के शाम तक वहीं मौजूद रहे। जस्टिस राजीव सिंह की बेंच के सामने आशीष के वकील ने दलील रखी कि अगर प्रोसिक्यूशन की बात सही थी और माने तो अजय मिश्र सिर्फ चालक की सीट के बगल में बैठे थे और फिर वो भाग गए थे। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आशीष के निर्देश पर थार कार के ड्राइवर ने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ाई थी या फिर ऐसा कृत्य जानबूझकर किया गया। ऐसे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि मिश्र लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। हालांकि शिकायतकर्ता के वकील इस संबंध में कोई सबूत नहीं दे सके। अंत में जब न्यायालय मिश्रा की जमानत याचिका में आदेश सुरक्षित रखने वाली थी तो उनके द्वारा एक सुधार आवेदन दायर किया गया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर चीन में नामांकित लगभग 150 भारतीय मेडिकल छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। छात्रों ने अपने फिजिकल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी है क्योंकि वो कोविड-19 के कारण यात्रा प्रतिबंधों के चलते चीन जाने में असमर्थ हैं। ये मामला मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ के समक्ष आया जिसने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग समेत प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। एडवोकेट पीवी दिनेश, एडवोकेट अश्विनी कुमार सिंह और एडवोकेट बिनीश के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि लगभग 18,000 छात्रों का करियर दांव पर लगा है क्योंकि वो चीन की सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत में फंसे हुए हैं। याचिकाकर्ता चीन के दिगंबो विश्वविद्यालय में चिकित्सा के छात्र हैं। वो 2020 की शुरुआत में भारत लौट आए और वो चीन में अपने विश्वविद्यालय में अब तक नहीं लौट सके क्योंकि चीन ने अपनी यात्रा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि स्थिति चिंताजनक है क्योंकि विदेशी चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से एमबीबीएस शिक्षण का संचालन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं है। भले ही भारतीय संस्थानों में एमबीबीएस छात्रों के अनुमोदित हो, आगे बताया गया है कि विदेशी मेडिकल छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम प्रशिक्षण और इंटर्नशिप या क्लर्कशिप भारत के बाहर एक ही विदेशी चिकित्सा संस्थान में पूरे अध्ययन के दौरान करने की आवश्यकता होती है। यदि वो भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी पंजीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। तो इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस 1995 के तहत पुलिस अधिकारी जो एक राजपत्रित अधिकारी है उसे आरोपी या संदिग्ध की व्यक्तिगत तलाशी लेने का कोई रोक नहीं है। जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने कहा सहायक पुलिस आयुक्त भी एक राजपत्रित अधिकारी है। उक्त विभाग के अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तलाशी पर रोक नहीं है और कोई कानून ये निर्धारित नहीं करता कि राजपत्रित अधिकारी जो विशेष विभाग से संबंधित हो उसकी उपस्थिति में ही उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली जानी चाहिए। इसके अलावा अदालत ने कहा एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत अदालत याचिकाकर्ता को जमानत तब तक नहीं दे सकती जब तक कि ये उचित आधार ना हो कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है और भविष्य में इसके लिए इसी तरह के अपराधों में शामिल होने की संभावना नहीं है। अभियोजन मामले के अनुसार 22 जून 2021 को कॉलेज के छात्रों आईटीबीटी के कर्मचारियों को 5 व्यक्ति मादक दवाओं की तस्करी के आरोप में पकड़ लिया और उन्हें पकड़ने के बाद सहायक पुलिस आयुक्त को सुनिश्चित किया गया। उनकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई और पंचनामा लिख गया। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया। ये तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपियों के साथ जघन्य अपराध किया और 56 ग्राम तक एमडीएम के जब्त किया गया था और 250 ग्राम हशीश भी बरामद की गई थी। साथ ही कहा गया कि धारा 42 का पालन ना करना याचिकाकर्ता को जमानत देने का आधार नहीं है और ये ट्रायल का मामला है। अंत में ये कहा गया कि औपचारिकताओं के गैर अनुपालन के आधार पर मामले को ध्यान में रखना और तय करना जल्दबाजी होगी और इसलिए इस समय न्यायालय स्वीकार्यता और गैर अनुपालन के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता और न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि अपराध बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि जब व्यक्तिगत तलाशी सहायक पुलिस आयुक्त की उपस्थिति में की जाती है तो एक राजपत्रित अधिकारी भी है और ये तर्क है कि उसी विभाग से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता। इसने भी कहा कि मामले में भी केवल राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में व्यक्तिगत खोज की गई थी और इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का अनुपालन किया गया। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार।
इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।